जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस समय केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद है, क्योंकि यात्रा मार्ग में भूस्खलन हुआ था, जिस वजह से यात्रा मार्ग कई जगह बुरी तरह से टूट गया था। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि यात्रा मार्ग के निर्माण में अभी बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो हो सकता है पूरी अगस्त तक यात्रा मार्ग बंद ही रखा जाए। लेकिन दोस्तों, देख सकते हैं कुछ पोस्ट और न्यूज वाले जो हैं ये बता रहे हैं कि आज 17 अगस्त से पैदल यात्रा मार्ग शुरू कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो न्यूज है पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं एक वीडियो देखकर ये पोस्ट बनाए हैं कि यात्रा मार्ग जो है पैदल आवाजाही के लिए शुरू कर दिया जाएगा। एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है कि 3 जो यात्री थे वो 15 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचे थे, हालांकि यात्रा मार्ग पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। वे लोग किसी भी तरीके से कठिनाइयों से ही वहां तक पहुंचे हैं। उन लोगों को SDRF टीम वगैरह रोके भी थे, लेकिन वो लोग रुका नहीं था और अपनी मर्जी से केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पे चर्चा होने लगा कि जब ये लोग जा सकते हैं तो हम लोग भी जा सकते हैं, यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को सच्चाई बता देता हूं, अभी यात्रा मार्ग के निर्माण में बहुत ही समय लगने वाला है। अभी कम से कम 1 हफ्ते का समय और लगेगा, उसके बाद ही यात्रा मार्ग जो है पैदल आवाजाही के लिए सही तरीके से चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी भी यात्रा मार्ग में ही बड़े बड़े बोल्डर और चट्टान गिरा हुआ है और जो लोग अभी आएंगे उन्हें पार करके ही यात्रा पर जाना होगा। लेकिन क्या अभी सुरक्षित हो गई यात्रा? जी नहीं दोस्तों, अभी भी जो है गौरीकुंड, चिरबासा, जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, छानिक कैंप तक कई ऐसी पहाड़ी है जहां पर अभी हाल फिलहाल भी भूस्खलन हो सकता है। तो अभी तक इन सभी जगह को ठीक नहीं किया गया है, तो यात्रा मार्ग कैसे शुरू हो जाएगा? वैसे यात्रा मार्ग जो है सरकार की तरफ से भी शुरू नहीं किया जाएगा, लेकिन यात्रियों का आवाजाही खुद की मर्जी से लोग करने लगेंगे और आज से भी ये होने लगा है। कुछ यात्री अपनी मर्जी से जो है, खुद साधु संत या कुछ यहाँ लोकल व्यापारी लोग हैं, ये लोग अपनी मर्जी से अपने रिक्स पे ही यात्रा मार्ग से होते हुए केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को सावधान कर दूँ, अगर आप सभी के साथ फैमिली हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप सभी भूल कर भी फिलहाल यात्रा पर ना आएँ, क्योंकि अभी तक यात्रा मार्ग पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। साथ ही यात्रा मार्ग के पूरी दुकानें भी बंद है, अभी जो है गिनी चीनी दुकानें ही जो है वहाँ पर खुली हुई है, साथ ही घोड़े खच्चर पालके पिट्ठू सभी चीज़ें बंद है। तो अगर आप सभी फैमिली को लेकर या बच्चे बुजुर्ग को लेकर आते हैं तो आप सभी का यात्रा बेहद ही कठिनाई से भरा होगा, इसलिए भाई साहब आप सभी इंतज़ार करिए और ऐसे फेक न्यूज़ के चक्कर में ना फंसिए। ये जो न्यूज़ है पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये जो है सोलो ट्रेवलर जो होते हैं, जो लगातार ट्रेकिंग वगैरह करते हैं, वो लोग सिर्फ इस समय आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं कह दूँ सुरक्षित यात्रा नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ना मानते हैं और आते हैं, बाद में उन्हें क्या अंजाम होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। बहन दोस्तों, आप सभी को दूसरा अपडेट मैं बता देता हूं कि केदारनाथ धाम में जब आपदा आई थी तो बहुत सारे लोगों का लापता होने का रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया था। उसी में से 15 अगस्त को 3 शव बरामद किया गया है, जब यात्रा मार्ग बन रहे थे और जब चट्टान हटाया गया था तो 3 शव को यहाँ से बरामद किया गया है, जिसमें से 2 शव का पहचान हो चुका है आधार कार्ड के जरिए, लेकिन 1 यात्री का पहचान नहीं हो पाया है। ऐसे ही अभी बहुत सारे यात्री और लापता हैं, अब देखते हैं कि वो सभी का भी जो लाश है वो किसी मलबे में दबे हुए मिलता है या फिर पानी के साथ ही बह गया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि यात्रा जो है जुलाई अगस्त में ना करो, लेकिन बहुत सारे यात्री गए और देखिए आखिर क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसी तरह से मैं आप सभी को सतर्क कर देता हूँ कि अभी पूरे अगस्त महीने आप सभी यात्रा पर ना जाएं। अगर अब आप सभी जाते हैं तो वो आप सभी अपनी मर्जी से जाएं, कुछ भी हो सकता है, अभी भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। सितंबर महीने में आप सभी यात्रा करें, बेहद ही सुखमय और आरामदायक रहेगा। तो दोस्तों, ये है आज की लेटेस्ट अपडेट कि यात्रा मार्ग अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है और आप सभी किसी भी गलत और फेक न्यूज़ के चक्कर में न फंसे और अपने घर से ना निकले। जय श्री केदार, हर हर महादेव।